बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीएस फिजिक्स क्लास। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद अमीन। आज की क्लास में हम फिजिक्स से रिलेटेड जो है इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सेड दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच वी स्टडी, बट इट इज इम्पॉर्टेंट हाउ टू स्टडी। ये फलसफा अगर आप समझ गए तो एनटीएस में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और से सुनिएगा साथ ही। आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमें एनटीएस क्लासेस को कैसे लेके चलना है, हमारा लेक्चर जो है हम कैसे डिलीवर करेंगे, आपने उस लेक्चर को कैसे कंसीव करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले चीज याद रखिएगा कि किसी भी एनटीएस लेक्चर में तीन जो है वो फिल्टर हैं। वो क्या क्या है, हम कोई भी टॉपिक कवर कर रहे होंगे, कोई भी टॉपिक टीच कर रहे होंगे, उसमें तीन चीजें जो है वो इनहेंस होकर आपके सामने आएंगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड: इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। मैं एग्जांपल्स के साथ प्रोसीड करूंगा बेटा। एंटी टेस्ट जो है इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट इट इज डिफरेंट। आम थ्योरी क्लास में जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें बहुत सारी चीजों को हम एनालाइज अच्छे से नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन एनटीएस क्लास में ऐसा नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में भी जाना पड़ेगा, उनको अच्छे से कंसीव भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं वन बाय वन को शेयर करता हूँ एग्जांपल्स के साथ। इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, फाइनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और फॉर एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ टेबल्स गिवन है इंफॉर्मेशन के, उनको हमें अच्छे से एनालाइज करना है और लर्न करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर, पेपर में एक क्वेश्चन आता है जिसमें टाइम इंटरवल बिटवीन टू हार्ट बीट्स इज, ऑप्शंस आर गिवन। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 में इंफॉर्मेशन का एक टेबल गिवन है जिसमें टाइम इंटरवल उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। अब तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने उस टेबल को लर्न किया हुआ है तो वो फॉरन फ्रीक्वेंटली आंसर करेगा द आंसर इज बीटा। अब समटाइम्स हमें जो है वो इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है, अगर हम जो है कॉमन सेंस यूज करें तो हम जो है वो इजीली उसका आंसर जो है वो गेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो उस टेबल को अच्छे से एनालाइज नहीं किया हुआ था, तो फॉर एग्जांपल उसको इंफॉर्मेशन है कि 72 बीट्स होती हैं इन 60 सेकंड एक जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो यहां से आप देखो तो आप टाइम इंटरवल बिटवीन टू बीट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 60/72, इसको आप सॉल्व करें, यू विल गेट 0.8 सेकंड। इट मींस आंसर इज 8×10^-1 सेकंड। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है कि जो गिवन टेबल है बुक में, टेक्स्ट बुक में जहां जहां से एमसीक्यूज पिक होते हैं उन टेबल्स को अच्छे से एनालाइज करना अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। हम जाएंगे किन किन टेबल हम अंडरलाइन करवाते जाएंगे, ये भी साथ साथ बताते जाएंगे कि कौन कौन से टेबल लर्न करने हैं और किन चीजों को आपने एनालाइज करना है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, फॉर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है एक और टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मोस्ट सूटेबल यूनिट टू डिस्क्राइब द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में जो है एक टेबल गिवन है जिसमें उन्होंने डिफरेंट लेंथ्स को डिस्कस किया हुआ है। अगर तो स्टूडेंट ने जो है वहां से उसको एनालाइज किया, उसको पता होगा कि डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस जो है इट इज अबाउट 10^-15 मीटर। सो आंसर जो है वो क्या होगा, बीटा। साथ साथ जो है वो आपको और भी बेसिक इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोन जो है ये हम 10^-6 मीटर को कहते हैं। अब 10^-6 जो है उसको हम माइक्रो कहते हैं, लेकिन अगर साथ मीटर लगा दें तो ये स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो लेंथ का हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोन। इसी तरह से 10^-15 जो है वो फेम्टो को बोलते हैं, लेकिन अगर साथ मीटर ऐड कर दें तो इट इज कॉल्ड फर्मी। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा कि 10^-10 मीटर जो है इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम को, एंड द लाइट इज आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस, और ये 9×10^15 मीटर होता है। तो ये सारे जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ है। तो सबसे पहले लेक्चर जो है उसमें हम किसी कोई भी चैप्टर डिस्कस कर रहे होते फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें मैं आपको जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस जितनी टाइप के आते हैं वो साथ साथ बताता जाऊँगा। कुछ चीज़ें आपको जो है वो टेक्स्ट बुक से अंडरलाइन भी करवाएंगे, तो वो आपने साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है। सो जब भी लेक्चर होगा ऑनलाइन, आपने साथ टेक्स्ट बुक रखनी है ताकि आप जो चीजें हैं उनको अंडरलाइन भी साथ साथ करते हैं। फाइनल इंफॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट पिलर ऑफ एंटी टेस्ट है वो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन।
इनमें जो है वो दो आगे जो है वो मेन जो है इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, शॉर्टकट और टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। अब शॉर्टकट क्यों जरूरी है, इनको सीखना क्यों जरूरी है और टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस टेस्ट से क्या फायदा होगा, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टकट। देखो बेटा, एंड टेस्ट क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है टेस्ट के जो पेपर है एग्जामिनेशन है उसमें है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट जो है वो कब खराब होती है, जब आप मैथमेटिकल पोर्शन में उसको अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं और आप टाइम जो है वो एक मल्टीपल चॉइस के लिए ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। हालांकि अगर आपको शॉर्टकट पता हो तो वही वाला क्वेश्चन जो है विद इन सेकंड सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में जो है एक क्वेश्चन आया, आपने जो है वो बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट जो है ये जो एक्सप्रेशन है इसके डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। अब देखिए रॉन्ग वे क्या है, अब स्टूडेंट सोचेगा कि जो B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन और इसका यूनिट होता है टेस्ला, एंड 1 टेस्ला वी शुड नो कि 1 न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर होता है, जबकि वेबर जो म्यू नॉट है इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पीयर पर मीटर। आप इसको जो है ना पुट करेंगे बस सॉल्व करेंगे एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। Rather, हम इसका शॉर्टकट सीख लें। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 1/2 पुट कर देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा कि ये एक्सप्रेशन को हमने कहीं पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 15 आपने टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो उसका एंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो एनर्जी डेंसिटी का था। सो आपको याद आ गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एनर्जी डेंसिटी है। अगर ये एनर्जी डेंसिटी है तो इसका मतलब है हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बजाय किसको सॉल्व कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को, आपके पास डायमेंशन भी आ जाएगी और यूनिट भी विद इन सेकंड्स आ जाएंगे। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जूल पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो न्यूटन मीटर ओवर मीटर क्यूब कैंसल हो गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये प्रेशर की यूनिट है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू पर मीटर स्क्वायर, सो फाइनली जो है आपका बेस यूनिट्स की टर्म में आपके पास जो है वो आंसर आ गया। अब आप इसको जो है वो फाइनली पुट करें, इसके सिंबल्स ML-1 T-2 इज द आंसर। सो इसमें हमें बजाय राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है एंड विद इन सेकंड जो है आपका आंसर आ जाएगा। टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई ट्राई माई बेस्ट कि किसी भी थ्योरेटिकल टॉपिक से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मैं गाइड करूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी टाइप डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो है उसकी डेफिनेशन में आपने सीखा था कि यूनिट वेक्टर वो होता है whose magnitude is 1 and it is used to find the direction of a given vector. So, इसमें आपने सीखा कि दो चीजें के मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन की बात की है। अब इससे रिलेटेड पोज करें दो टाइप के क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। सो आपने बारी बारी सारी ऑप्शंस को चेक करना है, बड़ा सिंपल है, जिस भी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है वो यूनिट वेक्टर नहीं है। फर्स्ट को चेक करते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, आप टोटल स्क्वायर रूट लें आंसर आ जाएगा 1, इट मींस इट्स अ यूनिट वेक्टर। अब सेकंड का अगर आप मैग्नीट्यूड चेक करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऑब्वियसली इसका आंसर भी 1 है, इट मींस ये भी यूनिट वेक्टर है। 1 बाय स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, इसका भी मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर भी 1 आएगा। बट लास्ट वाले देखें तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट 2 आएगा, इट मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, सो इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर। सो एक उसका एस्पेक्ट जो है हमने यूनिट वेक्टर का देख लिया कि जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। सेकंड देखते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन से रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा कि एक ऐसा वेक्टर बताएं जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो लेकिन डायरेक्शन अलोंग द गिवन वेक्टर हो, गिवन वेक्टर इज i + j। सो हमने क्या करना है, डायरेक्शन देखने के लिए हमें जो गिवन वेक्टर है उसका क्या फाइंड करना होगा, यूनिट वेक्टर और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड गेट द आंसर। सो किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं एंड यू गेट द आंसर। अब देखें यहां से जो है आप ये जो गिवन वेक्टर है इसको इसके मैग्नीट्यूड से
डिवाइड करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा स्क्वायर रूट 2, ये इसका क्या आ गया यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, सो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5, तो जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब हमें जस्ट उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, गेट द आंसर 5 × i + j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, सो वी विल गेट आंसर 5i + j 5j ओवर स्क्वायर रूट 2। It is a vector whose magnitude is 5 and direction is along the given vector. So, इसी तरह से हम कोई भी topic जो है उससे related जो है वो जितने भी concepts हैं, जितना भी knowledge है उससे related जितने maximum number of multiple choice बन सकते हैं हम वो one by one discuss करेंगे and इस तरह से हमारा topic complete हो जाएगा। Third important pillar of NTEST lecture is concepts. बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पेपर में ऐसे आएंगे जहां पर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। आम रेगुलर क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट में इतनी डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन एंटेस्ट क्लास में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे टॉपिक जो है उनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। रेगुलर क्लासेस में आप कॉन्सेप्ट को इतना डेप्थ में जाकर कंसीव नहीं करते, बट एंटेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट सब स्टूडेंट्स को पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का जीरो होता है जब हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट की। अब सपोज करें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर गिवन बाय a2i + 3j + k एंड द वेक्टर b इज गिवन बाय -i - 2j + α k, और उसने पूछा है कि यहाँ जो वेरिएबल गिवन है अल्फा, इसकी वैल्यू को आपने बताना है कि ये क्या है। आंसर्स आर गिवन। अब इसमें देखें डायरेक्टली कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, हमें उसने यहाँ पे हिंट दिया है कि वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, सो वी नो के कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है कि ए डॉट बी जीरो होगा अगर जो है वो ए परपेंडिकुलर टू क्या है बी। हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ए डॉट बी जो है वो हमें पता चल गया यहाँ से जीरो है। अभी डॉट प्रोडक्ट लेना बड़ा सिंपल है, आई वाली टर्म को आई से मल्टीप्लाई कर दें, जे वाली टर्म को जे से मल्टीप्लाई कर दें, के वाली टर्म को के से मल्टीप्लाई कर दें, सो वी विल गेट -2 -6 + α = 0, so you get the answer 8. So right answer is plus. Dear students, inshallah हम information, knowledge base और सारे concepts को comprehensively cover करने की कोशिश करेंगे हर lecture में। आप भी जो है वो practice करते रहना है, inshallah जो है आपके results बहुत बेहतर है। Now let's talk about test, which is very important and vital part of end test. बेटा टेस्ट जो है लेक्चर के बाद जो है आपने सबसे पहले टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। जो ये मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। अब विदाउट प्रिपरेशन अगर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर देगा, आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी और आप मेंटली ये सोचेंगे कि हमसे ये अटेम्प्ट नहीं होना। आप प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने लेक्चर बहुत से सुनने के बाद उसको नोट डाउन करने के बाद टेक्स्ट बुक को सामने रखना है, कुछ चीज़ें अंडरलाइन करवाई हैं आपने उनको रिवाइज करना है, चार पब्लिकेशन जो है उसके चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है, जो आंसर एंड पे गिवन है वो मैच करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने टीचर्स को जो है वो उसको डिस्कस करना है और साथ पास पेपर जो है उनको भी अटेम्प्ट करना है ताकि आपको जो है उसके लेवल जो है वो उस चैप्टर में से किस किस लेवल पे पास क्वेश्चन आ चुके हैं वो अंदाजा हो जाए। ये करने के बाद जब आप प्रिपरेशन कर चुके होंगे तब आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है और आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। टेस्ट के बाद जो है वो है डिस्कशन। इट इज सेड दैट वी लर्न फ्रॉम द करेक्टनेस ऑफ आवर मिस्टेक्स, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे आपके रिजल्ट्स बेहतर नहीं होंगे। ये नहीं है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आपकी मिस्टेक्स हो रही है आपने बस उसको इमीडिएटली ठीक कर लिया, ऐसा नहीं है। जहां मिस्टेक हुई है आपको पता चल जाएगा, आप एनालाइज करने के काबिल हो जाएंगे कि किस पार्ट में ज्यादा मिस्टेक्स आ रही है। फॉर जो इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट में आप वीक है तो जाहिर है इन्फॉर्मेशन के टेबल रिवाइज करने हैं, आप नॉलेज बेस में जो है वो कहीं पे जो है वीकनेस आ रही है तो आपने उस टॉपिक्स को रिवाइज करना है, अगर कॉन्सेप्ट में है तो वो आपने लर्न करना है, दोबारा से कॉन्सेप्ट को कंसीव करने की कोशिश करनी है। तो डिस्कशन जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है आप सीखेंगे, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो जहाँ लर्न करता है वो डिस्कशन वाला पार्ट होता है। तो आपका टेस्ट जो है एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद जो है वो लाइव डिस्कशन होगी टीचर के साथ और इस
डिस्कशन में जो है ऑनलाइन आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ रहे हैं, हम लोग उनके हम आंसर भी साथ साथ कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको आपकी सोच से बढ़कर कामयाबी दे, आपको और आपके घर वालों को जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती दे और जो है बीमारियों से बचा दे। थैंक यू सो मच।